हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने बनाया है ब्रिंजल तवा फ्राई। ये मैंने बहुत ही इजी मेथड से बनाया है एंड साथ ही बहुत ही टेस्टी होता है। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको ये बहुत पसंद आएगा। एंड मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। ब्रिंजल कोटिंग के लिए हमें बैटर बनाना है। 3 टेबलस्पून बेसन मैंने लिया है यहाँ पर, 1 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून ले लेंगे, नमक मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी मैंने 3 टेबलस्पून लिया है, इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा और पानी ऐड करेंगे, हमें इसे बैटर बनाना है। देखिए बिल्कुल इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अभी हम इसे साइड में रख देंगे, नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैंने पानी लिया है एंड इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, इसे साइड करेंगे। यहाँ पर 5 ब्रिंजल्स मैंने लिए हैं, इसके कॉर्नर्स को हम रिमूव कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह। दोनों साइड के कॉर्नर्स हमें निकाल देना है, ये देखिए इस तरह। अभी हम इसके स्लाइसेस कट करेंगे। देखिए कुछ इस तरह हम इसके स्लाइसेस कट कर लेंगे। अभी हम इसे पानी में ड्रॉप कर देंगे। ऐसा करने से ब्रिंजल में जो भी बिटरनेस होगी वो चली जाएगी। इसे हम ऐसे ही कम्प्लीटली डिप कर लेंगे। यहाँ पर हम वो वाला बैटर लेंगे जो अभी हमने बनाया था एंड सारे ब्रिंजल्स के स्लाइसेस हम उसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह। अभी हम इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हमें कम्प्लीटली कोट कर लेना है। ये देखिए परफेक्ट इस तरह। अभी हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तवा लिया है, नॉर्मल तवा लेना है हमें एंड इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे कुछ इस तरह ब्रिंजल्स को। यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च मैंने लिए हैं, इसे मैंने वर्टिकली कट किया था। अभी हम धनिया पत्ता डालेंगे। यहाँ पर ऑयल हमें डालना है, 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने लिया है, इसे अच्छे से स्प्रेड करते रहें। देखिए कुछ इस तरह हमें ऐड कर लेना है। इसे अच्छे से कवर कर लेंगे और 2 मिनट्स पर मीडियम फ्लेम पर इसे ऐसे ही कुक कर लेंगे। अभी देखिए 2 मिनट्स हो चुके हैं, हम इसे अच्छे से ऐसे फ्लिप कर लेंगे कुछ इस तरह।
अब हम इसे 8 मिनट तक लो फ्लेम पर ऐसे ही कुक करेंगे। अभी देखिए 8 मिनट्स हो चुके हैं एंड ये अच्छे से टेंडर हो गया है, अभी अच्छे से कुक्ड हो चुका है। इसे फिर से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, बहुत ही स्लोली, हमें जेंटली मिक्स कर लेना है। यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून हम डालेंगे। नमक मैंने 1/4 टीस्पून डाला है क्योंकि मैंने ऑलरेडी मसाले वाले बैटर में ऐड किया था। अभी इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए वाओ, इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट है। फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। देखिए हमारा ब्रिंजल तवा फ्राई बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए।